नमस्कार दोस्तों, राइसेंस गैराज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, ये मेरे साथ हुआ है और आपके साथ भी ये ना हो, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर आप एक इंटरनल हार्ड ड्राइव लेना चाहते हो, वो भी 500 GB वाला, और अगर आप इस डाइची कंपनी का हार्ड ड्राइव लेना चाहते हो, तो वीडियो देखते रहेगा क्योंकि मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगा क्या हुआ है मेरे साथ, ताकि ये आपके साथ भी ना हो। तो वीडियो को अभी से ही लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने हार्ड ड्राइव खरीदा था अमेजोन पे 1 साल पहले, और इस हार्ड ड्राइव के ऊपर 2 साल की वारंटी है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर 2 साल की वारंटी है। मुझे एक सस्ता हार्ड ड्राइव चाहिए था क्योंकि मेरा पुराना हार्ड ड्राइव खराब हो गया था, और इसी वजह से गड़बड़ी में आके मैंने ये सस्ते में ये हार्ड ड्राइव खरीदा। 1 साल तक ये हार्ड ड्राइव चला, लेकिन 1 साल के बाद अचानक से इस हार्ड ड्राइव को कुछ हो गया और ये चलना बंद हो गया। इसके ऊपर रिकॉर्ड होना बंद हो गया, एरर आने लगा, क्योंकि मैं हार्ड ड्राइव सीसीटीवी के ऊपर लगा के यूज कर रहा था। अभी क्योंकि ये चलने को बंद हो गया, मैंने इसके सपोर्ट को कांटेक्ट करने को ट्राई किया, बहुत ईमेल्स भेजे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब आप इन लोगों को कांटेक्ट करने को ट्राई करोगे तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये सब एक झोल है, तो इसको खरीदते समय ध्यान से खरीदे। इन लोगों की वेबसाइट अगर आप देखोगे तो बहुत ही फर्स्ट क्लास वेबसाइट है। वेबसाइट को देख के आप मालूम भी नहीं कर सकते हो कि ये वारंटी फेक है। जी हाँ दोस्तों, अभी ये हार्ड ड्राइव अमेजोन पे शायद 1000 में मिल रहा है, और ये 2 साल की वारंटी देख के लोग इसको खरीद रहे हैं, क्योंकि ये हार्ड ड्राइव शायद 1 साल चलेगा, शायद 6 महीने चलेगा, आपको मालूम नहीं कितना साल ये चलेगा हो, लेकिन जल्दी खराब होने का चांसेस बहुत सारा है। और जब 1 साल में ये खराब होगा तो आप इसके सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करोगे, और सपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं, आपके 1000 गए, फिर से आपको एक नया हार्ड ड्राइव खरीदना पड़ेगा। और अगर आप इसको एक डेस्कटॉप के ऊपर कनेक्ट करते हो, और इसके ऊपर अगर आप आपका इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आपका गायब होने का 100% चांसेस है। तो ये चांस मत लीजिएगा, थोड़े पैसे ज्यादा लगा के एक अच्छा हार्ड ड्राइव खरीदिए, सीगेट का या WD का, लेकिन इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एक पैसा बनाने का जरिया है, ये डिपेंडेबल ड्राइव्स नहीं है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन लॉस होने का आपको डर नहीं है, आपको सिर्फ 1 ही साल को ये यूज करना है, तो आप इसको ले सकते हो, लेकिन मैं ये ड्राइव रिकमेंड नहीं करता हूँ। मुझे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ जो हुआ है वो मैंने आपको बोला है, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। तो इस टॉपिक पे इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे रिपेयर वीडियोस एंजॉय कर रहे हो और खुद से रिपेयर कर रहे हो, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए, और ऐसे आपको मेरा कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।